कंपटीशन का जो कि साइंस बायोलॉजी का सीरीज चला रहे हैं वो इसका 30वां पार्ट यानी लास्ट पार्ट है। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो केमिस्ट्री का आएगा। चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा लाइक और शेयर बढ़ाइए। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? तो CO यानी कि बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न होने वाले तो मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर जल, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है। ए नंबर सही हो जाएगा। अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? तो इंटासीड जो कि टी नंबर में दिया हुआ है। पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है निम्नलिखित में से किस रूप में संदृत किया जाता है? तो स्टार्च के रूप में। दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? तो जीवाणु। पेड़ की आयु का निर्धारण होता है तो वार्षिक वलय की संख्या से जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। पेड़ की आयु का तो इसका वार्षिक वलयों की संख्या गिनकर। निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता देखिए कितनी बार पूछा है? पेड़ के छालों की संख्या को गिनकर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर एसिटिक एसिड का, जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। अब चलिए देखते हैं। डैश पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान में के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो इसका हो जाएगा बोस आइंस्टीन घनीभूत, जो कि सी नंबर में दिया हुआ है। राइनोस्कोप किस अंग की जांच करने वाला चिकित्सीय यंत्र है? तो नाक की। हाल ही में पता चली हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस नामक पक्षियों की प्रजाति को पाया गया था? तो उत्तर पूर्वी भारत में, जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। भारत के नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है जो मुख्यतः निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो भेड़ और बकरियों में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं? तो एडम का एप्पल, जो कि डी नंबर दिया हुआ है। किशमिश जैसे सूखे फल जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो उसमें पानी भरकर वो फूल जाते हैं, वैज्ञानिक कारण क्या है जो इस दैनिक जीवन की घटना के बारे में समझाता है? तो परासरण, जो कि ए नंबर दिया हुआ है। APGAR स्केल क्या है? तो एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल है। पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? तो त्वचा में मौजूद होती है। हमारे शरीर में नाक की नमक की मात्रा कितनी होती है? तो 0.4% होती है। लिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो लेड नहीं है, बाकी हाइड्रोजन कार्बन और फास्फोरस है। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। होमोजेनाइजेशन गैर घुलनशील तरल पदार्थों के मिश्रण बनाने में प्रयोग किया जाता है। पाश्चुराइजेशन भोज्य पदार्थ को विशेष तापमान पर निर्धारित समय के लिए गर्म करके ठंडा कर लिया जाता है जिससे जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं।
मोटापे को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो BMI का। ग्रीष्म निष्क्रियता क्या है? तो इसका हो जाएगा पशु निद्रा, जो कि ए नंबर दिया हुआ है। जियोट्रॉपीज में क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, जो कि ए नंबर दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? तो मेद, जो कि डी नंबर दिया है। बाकी नाभि, रज्जु, भ्रूण और भ्रूण मूलीय है। एक कथन देख दिया है तो देखते हैं इसका डी नंबर, तो ए और दोनों गलत है। पेंगुइन पक्षी है, पृथ्वी के सबसे गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं। गर्म क्षेत्रों के पक्षियों के पंख नहीं होते हैं। देखते हैं क्या दिया है। पेंगुइन पक्षी है, यह पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। हालांकि सभी पेंगुइन प्रजातियां दक्षिणी गोलार्ध की मूल निवासी हैं, इसलिए विकल्प डी सही होगा, जो कि दोनों गलत है। ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा यह एक चिकित्सीय उपकरण है, जो कि इसका आप लोग थोड़ा आंसर दीजिएगा, नहीं तो हम अगला वीडियो में दे देंगे। रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? तो लेजर के माध्यम से की जाती है। मानव के मांसपेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो बायोसेफ्टी लेबोरेटरी है। 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? तो स्पेन में। निहित में से कौन सा विकल्प पराश्रीय पौधे पराश्रिटिक प्लास्ट का उदाहरण है? तो पिचर पौधा, जो कि ये नंबर दिया हुआ है। अंग्रेजी IV क्या है? तो इसका हो जाएगा USA में आम जहरीला पौधा है, जो कि सिनोम दिया हुआ है। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? तो आलू का। इनमें से कौन सा प्राणी जल में आण्विक ऑक्सीजन छोड़ता है? तो फाइटोप्लैंकटन छोड़ता है। अब देखते हैं इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो बी नंबर सही है, जो कि दो नंबर दिया है। कैक्टस को उन स्थानों पर उगाया जा सकता है जहां पानी कम हो, तो इसका बी नंबर सही है, एक गलत है। कैक्टस संपूर्ण वनस्पतियों का एक जीव वैज्ञानिक कुल है, जो अपने मोटे फूले हुए तनों में पानी बटोरकर शुष्क व रेगिस्तान परिस्थितियों में जीवित रहने और अपने कांटों से भरे हुए रूप के लिए जाना जाता है। इस प्रकार केवल विकल्प दो सही है। एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण पेक्टिन का उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे की बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। उत्तक संवर्धन में कोशिकाएं कृत्रिम माध्यम में रखी जाती है, जहां वे कोशिकाओं के छोटे समूह बनाने के लिए तेजी से विभाजित होती है। इसका हो जाएगा कैलस कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध दिखाता है? तो लाइकेन। पादपों में अस्थाई बनावट, आकार और प्रकार प्राप्त करने की प्रक्रिया को विभेदन यानी डिफरेंशिएशन कहा जाता है। चमेली फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है। पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर आदि असामान्य कमियों का पता लगाने में सोनोग्राफी बहुत उपयोगी है। इस तकनीक में ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है। चार्ल्स डार्विन द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केंचुए की भूमिका पर अध्ययन किया गया था। एरियोलर अंगों के
अंदर की जगह भरता है और आंतरिक अंगों को सहयोग प्रदान करता है तथा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। अब इसका देख लेते हैं, इसका तो सी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा डबल रोटी और बियर को बनाने में प्रयुक्त ईस्ट एक फंगस होता है? इसका देख लेते हैं, तो बी नंबर यानी कि सब सही है। टोटल पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है अजीर्ण के दौरान। पेट अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पादित करता है और इसके कारण दर्द और जलन होता है। इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए लोग छारों का उपयोग करते हैं जिन्हें प्रति अम्ल कहा जाता है। प्रति अम्ल के रूप में प्रायः मैग्नीशिया का दूध एक हल्के छार का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं, पराग ट्यूब का विकास भूमि अनुकूलन में स्पर्मेटोफाइट्स का एक महत्वपूर्ण चरण है। गन्ना सामान्यतः तने को काटते हुए से उगाया जाता है। अब देखते हैं, इसको मिलान करना है तो यहाँ पर मिलान किया हुआ है। त्वचा स्ट्रेटिफाइड सक्वेशम एपिथिलियम है उपास्थि। जोड़ों की सतह कंकाली मांसपेशियाँ स्ट्रिएटेड मांसपेशियाँ सबक्यूटेनियस परत वसीय ऊतक। साइटोन को क्या कहा जाता है? तो पेरिकेरियन कोशिका कहा जाता है। अब देखते हैं, शर्करा हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ पर दिया है, ऑक्सैलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो टमाटर है। टमाटर ऑक्सैलिक अम्ल, इमली टार्टरिक अम्ल, दही में लैटिक अम्ल, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधों का एक गुण नहीं है? तो रेशेदार जड़ जो कि नहीं है। बाकी सब यहाँ से पढ़ लीजिए। ऐसे बीज जिनमें दो बीजपत्र होते हैं द्विबीजपत्री कहलाते हैं, अर्थात इन्हें दो बराबर दलों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे दालें, सेम, आम आदि। द्विबीजपत्री पौधों में रेशेदार जड़ों का अभाव होता है। रेशेदार जड़ एक बीजपत्री पौधे की विशेषता है। इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो निकोटीन। सूखे या शारीरिक रूप से सूखे आवास में जीने के लिए अनुकूलित पौधे को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा जीरोफाइट कहा जाता है। स्वेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए। सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है? तो बाल। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु की विशेषता है? तो ए, विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं, जो कि विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो प्रोथाइलस नहीं। बाकी पर्णी बीनस फ्लाई ट्रैप संड्रियू है। शैवाल को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो कॉपर का। निहित में से कौन सा एक मोनोसेक्ट्राइड शर्करा नहीं है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, माल्टोज नहीं, बाकी ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज है। पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। लाल पांडा बांस की पत्तियां खाता है। गर्भाशय मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। इनमें से कौन सा जानवर आमतौर पर ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है? तो ध्रुवीय भालू, जो कि दिनों दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद केमिस्ट्री चालू होगा, तब तक के लाइक शेयर।